हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम लोग इस वीडियो में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सेट 14 पढ़ने वाले हैं, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे 750 से लेकर 800 क्वेश्चंस तक। ओके फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपके परफॉर्मेंस में कहीं से कोई कमी नहीं रहा होगा। आप लोग इस टेस्ट को भी बहुत ही अच्छे तरीके से दोगे और आपके स्कोर का कॉमेंट में मुझे इंतज़ार रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर देखिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इज अलाउड टू फंक्शन, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एक क्वेश्चन के लिए आप जैसा कि जानते हैं कि मैं 3 to 5 seconds का टाइम देता हूँ आपको, और यहाँ पर यह भी मुझे मालूम है कि आपका करेक्ट आंसर आ चुका होगा। तो अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इज अलाउड टू फंक्शन, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, टोटलिटिज्म जो है आपका करेक्ट आंसर है। इसका मतलब होता है कि जहां पर ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी के पास पूरा पावर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टोटलिटिज्म जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओलीगार्ची का मतलब तो आपको पता ही है कि जहां पर कुछ लोगों के पास पावर होता है, ठीक है, ओलीगार्ची हम उसको बोलते हैं। डिक्टेटरशिप, जैसा कि आप लोग जानते हैं नाम से स्पष्ट है कि डिक्टेटरशिप है, तानाशाह होता है। ठीक है, अ रूलर हु हैज कंप्लीट पावर, वो होता है आपका। ठीक है, थियोक्रेसी का मतलब क्या होता है, जब पावर रिलीजियस लीडर्स के पास होता है तो थियोक्रेसी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिकॉर्ड ऑफ वंस ओन लाइफ रिटन बाय वन सेल्फ। ठीक है, अ रिकॉर्ड ऑफ वंस ओन लाइफ रिटन बाय वन सेल्फ का क्या हो जाता है, यस करेक्ट आंसर आ चुका है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब खुद से आप अपनी आत्मकथा को लिखते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड का क्या हो जाता है, जब सेम टाइम से बिलोंग करते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि कंटेम्प्रोरीज जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, वन हु लिसेंस सेक्रेटली टू प्राइवेट कॉन्वर्सेशन, जब लोग प्राइवेटली कोई चीज़ की कॉन्वर्सेशन को सुनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जो कि एक सेक्रेट लिसनर होता है उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यस राइट आंसर है आपका, इवेस ड्रॉपर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, इवेस ड्रॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रग्स विच कॉजेज पीपल टू स्लीप ईजली, ठीक है, जब आपको नींद आसानी से आ जाए, कोई मेडिसिन कोई ड्रग्स आप लेते हैं उसको क्या कहते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्पोरिफिक जो है आपका राइट आंसर है, स्पोरिफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि द ब्रांच ऑफ फिलोसफी कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ ब्यूटी स्पेशली इन आर्ट, क्या बोलते हैं हम उसको, यस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एसेथेटिक जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ स्किन, स्किन के स्टडी को हम क्या बोलते हैं, बहुत बार हो चुका है ये, यस करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डर्मेटोलॉजी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, डर्मेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, रफ वायलेंट ट्रबलसम पर्सन जो बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है एनी टाइम, यस टार्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ब्रीफ नॉबल माइंडेड और चार्विलेस मैन क्या हो जाएगा, यस करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गैलेंट, ओके गैलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, ऑब्सेशन विथ बुक को हम क्या बोलते हैं, बुक से बहुत ज्यादा प्रेम लगाव एक तरह का ऑब्सेशन है आपको, यस ऑब्सेशन इन सब टाइप में क्या होता है, मैनिया तो आपका लगेगा ही, बिब्लोमैनिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिब्लोमैनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, A large body of people playing various musical instruments को क्या कहते हैं, यस करेक्ट आंसर आपका ऑर्केस्ट्रा हो जाएगा, ठीक है ऑर्केस्ट्रा इज द राइट आंसर। सोलोमन रिलीजियस एक्ट इसका क्या हो जाएगा, यस करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3, राइट्स आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैट विच कैन नॉट बी एवर्टेड को क्या कहते हैं, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनएविटेबल जो है आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस,
रेमेडी फॉर ऑल डिजीज को क्या बोलते हैं? रामबाण इसको बोल सकते हैं आप। यस, पेनिशिया आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ऑफ द हाइएस्ट क्वालिटी। ऑफ द हाइएस्ट क्वालिटी को क्या बोलेंगे? यस, करेक्ट आंसर सुपरलेटिव आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लेस ऑफ शेल्टर फॉर शिप्स। अ प्लेस फॉर शेल्टर फॉर शिप्स, जहां पर शिप्स को रखा जाता है, जहाज ये सबको, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यस हार्बर, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लेस वेयर सोल्जर स्लीप्स। अ प्लेस वेयर सोल्जर स्लीप्स को क्या बोलते हैं? जहां पर सैनिक लोग रहते हैं, और यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बैरिक्स आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन हु कलेक्ट्स ओल्ड एंड न्यू कॉइन्स, जिसको पुराने और नए सिक्कों रखने का, उसको कलेक्ट करता है, जमा करता है, उसको क्या कहते हैं? यस, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, न्यूमिस्मैटिक्स जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलर यूजेज ऑफ प्लेस रेस्टोरेंट इटीसी। और यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्लाइंटली जो है आपका राइट आंसर है। रेगुलर यूज ऑफ प्लेस या रेस्टोरेंट्स, यहां क्या हो जाएगा? क्लाइंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ए पर्सन हु हैज लॉस्ट द प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। ए पर्सन हु हैज लॉस्ट द प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, और यहां करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आउटलॉ आपका राइट आंसर है। आउटलॉ का मतलब होता है कि अ पर्सन हु हैज डन समथिंग इलीगल एंड इज हाइडिंग टू अवॉइड बींग कॉट। जब कोई क्राइम करके या कुछ इलीगल काम करके वो छुपाने की कोशिश करता है ताकि वो पकड़ा ना जा सके, उसको क्या कहते हैं? आउटलॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, फॉल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ईटीसी। डॉक्यूमेंट्स के साथ जब कुछ इधर से उधर कर देता है, लोग छेड़छाड़ कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? यस, करेक्ट आंसर फॉर्जरी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मेक अटोनमेंट फॉर वंस साइंस। और यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, एक्सपिएट जो है आपका राइट आंसर है। कमिटिंग मर्डर इन रिवेंज, ठीक है, बदले की भावना से मर्डर करना। और यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वैन डेटा आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थिंग्स दैट कैन बी इजिली ब्रोकन, जल्दी से टूट जाने वाले को क्या कहते हैं? अ थिंग, द थिंग्स दैट कैन बी इजिली ब्रोकन, जो आसानी से टूट जाता हो। और यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यस, ब्रिटल आपका राइट आंसर है, इजिली ब्रोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अनइम्पॉर्टेंट पर्सन। एन अनइम्पॉर्टेंट पर्सन को क्या कहते हैं? यहां आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, नन टीटी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एन अनइम्पॉर्टेंट पर्सन, नन टीटी, अ पर्सन ऑफ नो इन्फ्लुएंस को हम बोलते हैं, ओके। और यहां पर हाँ, इसका करेक्ट आंसर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ जॉब कैरिंग नो सैलरी, एक ऐसा जॉब जहां पर आपको सैलरी नहीं मिलता है। और यहां क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन ऑनरेरी जो है आपका राइट आंसर है, ओके। नेक्स्ट है, एक्ट ऑफ स्टीलिंग समथिंग इन स्मॉल क्वांटिटीज, ठीक है, स्मॉल क्वांटिटीज में चुराना किसी चीज को, एन एक्ट ऑफ स्टीलिंग समथिंग इन स्मॉल क्वांटिटीज। और यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि पिलफेरेज जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। पर्टेनिंग टू द वेस्ट, पर्टेनिंग टू द वेस्ट को क्या कहते हैं? और यहां करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पर्टेनिंग टू द वेस्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीडेंटल आपका राइट आंसर है, ऑक्सीडेंटल, पर्टेनिंग टू द वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, हाईली स्किल्ड। हाईली स्किल्ड को क्या बोलते हैं? और यहां करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हाईली स्किल्ड वाले का? कंसुमेट जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंसुमेट का मतलब होता है एक्सट्रीमली स्किल्ड या परफेक्ट, आप उसको बोल सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफिकेशन विद द फीलिंग ऑफ अदर, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन विद द फीलिंग ऑफ अदर, किसी चीज का पहचान कर लेना, ठीक है, फीलिंग के साथ, और यहाँ करेक्ट हो जाएगा इम्पैथी, आपका राइट आंसर है, ठीक है। इम्पैथी का मतलब होता है द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अनदर पर्सन्स फीलिंग एक्सपीरियंस इटीसी। नेक्स्ट है आपका इनसेटिएबल डिजायर फॉर वेल्थ, बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा रखना आपको वेल्थ के लिए, और यहाँ क्या होता है एवेरिस, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू। नेक्स्ट है आपके सामने एन एक्शन और इवेंट दैट हैपेंस बिफोर अनदर इम्पॉर्टेंट वन एंड फ्रॉम एन इंट्रोडक्शन टू इट, एन एक्शन और इवेंट दैट हैपेंस बिफोर अनदर इम्पॉर्टेंट वन एंड फ्रॉम एन इंट्रोडक्शन टू इट को क्या कहते हैं, जो पहले होता है उसको फॉलो करते हुए दूसरा चीज होता है उसको क्या कहते हैं, प्रेल्यूड, आप इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेल्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है अ कंप्यूटर प्रिंट आउट सेंट आउट बाय अ बैंक रिगार्डिंग डेबिट एंड क्रेडिट्स इन योर अकाउंट, इसको क्या बोलते हैं, और यहां करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट आपका राइट आंसर है। रिफ्रेश एंड रिवाइव, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या होगा करेक्ट आंसर, यस, रिफ्रेश एंड रिवाइव का क्या होता है इसका आंसर, यस, ऑप्शन नंबर वन इनवैगोरेट जो है आपका राइट आंसर हो जाता है, मेक लिवली होता है इसका मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर और एंसेस्टर, यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वेरी गुड, पैट्रीमोनी आपका राइट आंसर है, पैट्रीमोनी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन हु इज वोमेनिस इन हैबिट, जिसका वोमेन की तरह हैबिट्स होता है इसको क्या बोलते हैं, यस, इफेमिनेट आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री। वन हु इज कन्वर्टेड फ्रॉम वंस रिलीजन टू अनदर, जो कन्वर्ट करता है एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन पे, तो क्या कहते हैं हम लोग, यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थ्री प्रोसेलाइट जो है आपका राइट आंसर है, जब कन्वर्ट करते एक लेन से दूसरे लेन में प्रोसेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि राइट और क्रीव वर्ड्स ऑन स्टोन और पेपर, राइट और क्रीव वर्ड्स ऑन स्टोन और पेपर को क्या बोलते हैं, क्या हो जाएगा, यस, ऑप्शन नंबर फोर इनस्क्राइब जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनेबल टू पे वंस डेप्थ, अनेबल टू पे वंस डेप्थ का मतलब क्या होता है, यस, ऑप्शन नंबर वन इनसॉल्वेंट, दिवालिया बोलते हैं, ट्रबल एंड एनॉय कंटिन्यूअसली, ठीक है, ट्रबल एंड एनॉय कंटिन्यूअसली इसको बोलते हैं हराश, ओके। अ नोटिस ऑफ अ पर्सन डेथ, जब कोई मरता है उसके जब नोटिस भेजा जाता है उसको क्या बोलते हैं, अ नोटिस ऑफ अ पर्सन डेथ, यस, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑब्विचुरी जो है आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एनिमल दैट लिव्स इन ग्रुप, एन एनिमल्स दैट लिव इन ग्रुप को क्या बोलते हैं, यस, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीगेरियस जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ग्रीगेरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ड वर्किंग एंड डेलिजेंट, हार्ड वर्किंग एंड डेलिजेंट को क्या बोलते हैं, यहां पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थ्री हो जाएगा, शेड्यूलस जो है आपका राइट आंसर है, शेड्यूलस। अ ब्रीफ और शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस, अ ब्रीफ और शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस को क्या बोलते हैं, अ ब्रीफ और शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस, और यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थ्री, सोजर्न जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, सॉरी कैन नॉट मीन इट, दैट विच कैन बी बिलीव्ड, ठीक है ना, कैन बी बिलीव्ड, कैन बी बिलीव्ड का क्या हो जाएगा, यस, क्रेडिबल आपका राइट आंसर हो जाएगा।
वन हु इज इनडिफरेंट टू पेन और प्लेजर, ये वाला तो बहुत बार हुआ है मेरे अंदाज से। यस और करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टोइक, आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एबिटेटर इज क्या होगा, एन एबिटॉयड इज व्हाट, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड, जहां पर कसाई खाना उसको बोलते हैं, एबिटॉयड को बोलते हैं भाई कसाई खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अ मैन विथ एबनॉर्मल हैबिट्स और यहां हो जाएगा ईसेंट्रिक, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वन ईसेंट्रिक। नेक्स्ट है वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन द टॉम्ब को क्या बोलते हैं, और यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यस ईपीटैप आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री। लास्ट क्वेश्चन है अ पर्सन हु लेज टू मच स्ट्रेस ऑन बुकिश लर्निंग, अ पर्सन हु लेज टू मच स्ट्रेस ऑन बुकिश लर्निंग को क्या बोलते हैं, और यहां हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर टू पेडेंट। ठीक है, पेडेंट आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो क्या आपका परफॉर्मेंस है, कितना स्कोर आया है आउट ऑफ 50, कॉमेंट जरूर कीजिएगा, देखना है कि आप लोगों का स्कोर क्या है, क्योंकि अब जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं मान के चलिए 50-50 का सेट्स हो रहा है, तो उसमें मेरे हिसाब से 20 तो आपको न्यू मिल ही जा रहे होंगे, तो देखना है कि 40 प्लस में है, 45 में है, 50 है, 30 है, कितना है, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, इसका PDF मैं डाल दूंगा वीडियो के 1-2 घंटे के बाद। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।